अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? मैं मोहम्मद रसूल, मेरा ताल्लुक़ KPK चारसद्दा में शबकदर में एक गांव है सदर गली, इससे मेरा ताल्लुक़ है। हमारे बहुत से BTEC और डिप्लोमा वाले जो फ्रेश है दोस्त UAE में आना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि वो इधर आए और इंशाल्लाह इसको जॉब भी मिलेगा ये वीडियो देख के। भाई दो बार मैं आ चुका हूँ विज़िट पे, लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिला। मेरे को जॉब क्यों नहीं मिला मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इस वीडियो में। भाई हमारे जो दोस्त आने चाहते हैं, पहला मैं उसको बोलूँगा कि अपना लैंग्वेज इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखो। एक एकेडमी में जाओ, दाखिल ला लो एकेडमी में, 2-3 महीने 4 महीने इंशाल्लाह आप पूरा 1-2 वाल इंग्लिश में आपको मालूम होगा। 1-2 वाल नहीं, लेकिन इतना मालूम होगा आपको कि आप इधर आएगा अपना इंटरव्यू, अपना जो साइट काम है आप वो चला सकता है, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा ज़ुबान ऐसा है ना कि हम किसी को बुलाते हैं, किसी से बात करता है तो हम ये तुम यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ ये तुम यूज़ नहीं करो और ये आप यूज़ करो। ये साइट के लिए आपको बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा इसे, क्योंकि आपके ऊपर किसी से आप बात करते हैं और आप उसको आप बोलते हैं तो भाई ये आपका मतलब है इज़्ज़त देना। तो अपनी ज़ुबान में ये तुम निकाल दो और आप इस्तेमाल करो, ये एक स्टेप हो गया लैंग्वेज का। दूसरा भाई आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आप लोग उधर का एक्सपीरियंस लाजम हासिल करो। इधर वो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपके काम वो लाजम आएगा। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप डिप्लोमा किया घर में बैठ गया, आप BTEC किया घर में बैठ गया कि भाई मेरे पास तो डिग्री है, मेरे को तो जॉब मिलेगा, मैं तो इंजीनियर हूँ। भाई आप इंजीनियर है, लेकिन इधर साइट है, इसमें आपको भाई मैन पावर देगा, आपको एक साइट देगा, आपको एक जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। कि मतलब लेबर से काम कैसे लेना है, ये साइट कैसे मतलब आप लोग चलाएगा, आपका जो बड़े इंजीनियर है, CM है, PM है, आपका साइट इंजीनियर है, आपको भाई सुबह में एक टास्क देगा, भाई ये तुम्हारा टास्क है, ये आप इसके ऊपर भाई काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको काम मालूम नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है भाई। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आने से पहले कम से कम एक साल 2 साल कितना भी है लाजम एक्सपीरियंस हासिल करो, फिर इधर आओ और लाजम फिनिशिंग का काम सीखो, कारपेंटर का, स्टील का, और ड्राइंग लाजम, ड्राइंग भाई ड्राइंग स्टडी करो, 1-2 वाल ड्राइंग स्टडी करो। हमारा काम है ड्राइंग के ऊपर करना, ड्राइंग भाई ड्राइंग हमको मिलेगा, फिर हमको अप्लाई करना है ड्राइंग साइट में, फिर हम मतलब अभी हमको भाई आपको ड्राइंग मिलेगा ना भाई, स्ट्रक्चर का एक ड्राइंग है, स्टील का है, जो भी है, वो लोग आपको ड्राइंग दिया भाई ये ड्राइंग है, ये स्टील है, ये आपके साथ मैन पावर है, ये इस्तेमाल करो, फिर इस्तेमाल करना इसका बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ आप एक्सपीरियंस हासिल करो, एक साल है 2 साल है कितना भी है, आप लोग एक्सपीरियंस करके फिर इधर आओ, आपको इंशाल्लाह जॉब मिलेगा। तीसरा बात ये है भाई, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो हमारे बहुत से दोस्त विज़िट पे आते हैं, तो विज़िट पे भी आओ, लेकिन 1 महीने का नहीं 3 महीने का विज़िट लगाओ। 3 महीने का विज़िट आपको बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि 1 महीना का टाइम बहुत शॉर्ट है। आप लोग इधर आते हैं फिर 3-4 मतलब 5 दिन ऐसा मतलब लाजम इंसान का आदमी का ऐसा ख़राब होता है, तो प्लीज़ आप 3 महीने का विज़िट लगाओ, तो इंशाल्लाह 3 महीने का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 90 दिन है, आपको लाजम 5-6 दिन पहले एग्जिट करना पड़ेगा एयरपोर्ट से, तो प्लीज़ आपको लाजम 3 महीने का विज़िट लगाओ, फिर इधर आओ, इंशाल्लाह जॉब मिलेगा। और अगर पाकिस्तान में या इंडिया में उधर भाई ये लोग आते हैं, ये हमारे मैनेजर, किसी कंपनी का भी मैनेजर, CM, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, वो लोग उधर आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। अगर आप लोग उधर किधर भी चांस आएगा, एडवर्टाइज आएगा, मतलब किधर भी चांस आएगा, तो आप लोग जाओ उधर इंटरव्यू दो। अगर आपको उधर से जॉब मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत पैसा भाई ज़ाया नहीं होगा और आप लोग को आराम से जॉब मिलेगा, इधर आएगा तो इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर भी अगर नहीं है तो विज़िट पे आओ, लेकिन 3 महीने का विज़िट लगा दो। तीसरा बात मैं आपको, चौथा बात मैं आपको, ये कंप्यूटर का स्किल भाई, आप लोग लाजम कंप्यूटर का एक कोर्स है MS Word,
एम एस ऑफिस, ऑफिस में है वर्ड और एक्सेल, लाजम ये दो एक्सेल और वर्ड लाजम आपको 1-to-1 मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको अगर ऑफिस में अंदर काम मिल गया या किधर भी आपको जॉब मिलेगा ना, तो आपको अगर ये मालूम है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा ऑटोकैड, ऑटोकैड लाजम भाई किसी भी एकेडमी से जाओ, 3 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने का कोर्स होता है ऑटोकैड, इतना ड्यूरेशन नहीं है इसका, लेकिन आपको बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा इधर आने के लिए। तीसरा ये इसमें एक है लैंड सर्वे, भाई लैंड सर्वे में आता है TS, ठीक है, और ये लेवल, भाई दोनों में समान होता है, बिल्डिंग में है आपका काम, बिल्डिंग में है या आपका काम रोड में है, किधर भी आपका काम है, ये दोनों मशीन है, उसको लाजम लाजम उसको टच भी करो और इसके ऊपर काम भी करो, ठीक है ना जी। तीसरा बात मैं आपको बताऊंगा भाई, क्वांटिटी सर्वे, क्वांटिटी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा इतराने के लिए। अगर आपके पास क्वांटिटी का नॉलेज है तो क्वांटिटी में 3 फील्ड है, एक क्यूज का है, एक इस्टीमेटर का है, एक क्वालिटी का है। अगर आपको इसी फील्ड में जॉब मिलेगा तो बहुत फ़ायदा होगा और आपको बहुत मतलब ये फ़ायदा पहुंचाएगा और इसका पैकेज भी मतलब अच्छा है, ठीक है जी। ये दूसरा वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा अपने एफ ए पी सी की बाइक के लिए और बी ए एम ए बाइक के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा भाई एक बहुत अहम बात है, हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं या इंडिया से या पाकिस्तान से, वो कारपेंटर के वीज़े में आते हैं या स्टील फिक्सर के, मेसन के, लेबर के वीज़े में आते हैं। भाई आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, आपका इतना मेहनत ये भाई पूरा ज़ाया नहीं करो। आप लोग समझते हैं कि हम उधर जाएगा इस वीज़े में, हमारा जो हमारा डॉक्यूमेंट है सर्वेन का या ये हमारा डिप्लोमा है, हम इसको दिखाएंगा और वो हमको जॉब पर देगा इस हिसाब से, भाई ये बिल्कुल गलत है। ये आपको मिलता भी है, बहुत से आदमियों को मिला भी है, लेकिन 100 में से 5% या 100 में से 10% ये मिला हुआ है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करो। अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा इधर का, भाई सऊदी अरब में जाओ, सऊदी अरब का नहीं है, ओमान में बहुत से कंट्री ममालिक, बहुत से ममालिक है, उधर में जाओ अपना मतलब सेटिंग करवा दो, लेकिन ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करो कि अपना वीज़ा मतलब चेंज नहीं करो, ठीक है जी। दूसरा बात यह है कि अगर आप आना चाहते हैं तो फिर ऐसा करो, पाकिस्तान में एजेंसी बहुत एजेंट है या इंडिया में, उधर में आप लोग ऐसा करो, आप लोग 4 जन का वीज़ा पकड़ो तो फिर भी वो आपके मतलब कुछ फ़ायदा आ सकता है, क्योंकि आप मतलब ड्राइंग समझेगा या आपको मतलब सैलरी भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो प्लीज़ एक मैसेज है अपने दोस्तों से, बिल्कुल ये शेयर करो और उसको बोलो भाई अलावा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़।